Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel. जैसा कि आप सभी बच्चे लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारा ये जो मिशन चल रहा है बच्चा, ये चल रहा है 2021, और आप सभी लोगों की वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. बेटा 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे हमेशा अपनी कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, और इस कॉन्सेप्ट की क्लास में जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बेटा नरेशन. और नरेशन का आज हम सेकंड पार्ट करने जाएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से जितने रूल्स बनते हैं बेसिक रूल्स वो सारा पढ़ा दिया. नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सारी बातें हम कर चुके हैं. हमारी क्लास नंबर 16 है और नरेशन का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं. ये हमारी टीम है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं संजय कुमावत आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं. अगर किसी बच्चे को हमारे चैनल के माध्यम से अगर पीडीएफ चाहिए बेटा, तो आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा टीम स्पेस आरएस सर. ये जब आप लिखोगे तो आपको लगभग लगभग 23,000 के करीब मेंबर्स वाला एक ग्रुप नजर आ जाएगा, जिसमें मुकेश सर और आरएस सर की पिक लगी हुई, आप उसको ज्वाइन करें. उसके अंदर आपको लगभग 8 या 9 बजे के आसपास आपको पीडीएफ मिल जाती है. कोई बच्चा अन अकेडमी से थोड़ा सा अननोन है तो उस बच्चे को क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. उसका आइकन कुछ इस प्रकार होगा. आप जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में आप इंस्टॉल वगैरह कर करा के ओपन करो, और ओपन करने के बाद में बेटा आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है. और रजिस्टर करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालनी पड़ती है. जैसे ही ईमेल एड्रेस वगैरह डालोगे उसके बाद में बेटा आपको एक गोल चूज करना पड़ता है, और आपको गोल चूज करना है ये वाला एनडीए एयरफोर्स और नेवी वाला गोल आपको चूज करना है. उस गोल में जाकर आप मुझे फिर मेरे नाम से आप मुझे सर्च करोगे. जैसे ही आप मुझे मेरे नाम से सर्च करोगे, वहां पर मेरी कुछ इस तरीके की प्रोफाइल्स आ जाएगी, आप उसको जाकर मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है. जहां मैं आपके लिए आने वाले टाइम पर जल्द ही स्पेशल क्लासेज और लगाऊंगा, तो वो आप देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. अगर किसी बच्चे को अन अकेडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा, तो आपको आरएस सर लाइव करके कोड यूज करना है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. और वो 10% डिस्काउंट, जैसे ये फीस होती है उसमें 10% डिस्काउंट आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा. 33% ऑफ मिलेगा 6 मंथ वाले में. आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको वहां पर फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, साथ में रागा की जो क्लासेज होती है बेटा, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी. क्लियर है? चलिएगा, पीडीएफ के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं. और ये बेटा हमारी क्लासेज का, अगर कोई बच्चा नया है तो उसे बता दिया जाए कि मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास होती है सुबह 9:30 बजे, और इसके जस्ट बाद में फिर फिजिक्स की क्लास होती है बेटा, और फिजिक्स की क्लास आपको मिलती है 10:50 पे. अभी सर 1-2 दिन से थोड़ा बिजी है, इसलिए उनकी क्लासेस अभी नहीं हो पा रही है. कल से आपको क्लासेस रेगुलर मिल जाएगी. 12:15 बजे बेटा मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है, और अभी बज रहे हैं 2:30, और 2:30 PM से आपकी जो क्लास हो रही है बेटा वो हो रही है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की, जिसके अंदर हम अभी नरेशन पढ़ रहे हैं. उसके बाद में बेटा आपको प्रैक्टिस सेशन मिलता है, जो कि 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होता है, और इस सेशन जबरदस्त सेशन होता है, सभी बच्चे आएंगे और उसमें मिलेंगे. अब मैं चलता हूं आपको अगले रूल्स के ऊपर, जिनकी मुझे बातें करनी है. कल मैंने आपको समझा दिया था कि जब नरेशन हम बनाते हैं तो उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है. बच्चा पार्टी सभी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का होता है, ठीक है सर. इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो आरएस होता है, और इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होता है सर वो आरवी होता है. मैंने आप लोगों को समझाया था आरएस के अंदर 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कि सर आरएस के अंदर पर्सन बदल जाता है, और सर पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार का रोल यही है 1, 2, 3, जिसके अंदर सर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन सर नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता. और किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, ये आरवी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं. इसका एक रूल ये था, अगर वाक्य में वी ओवर अस आपको दिखाई देता है तो वो वी ओवर अस किस में चेंज हो जाता है, वी को तो दे बना देना, ओवर को देयर बना देना, और अस को देम बना देना, ये बातें हम कर चुके थे. इसी पर्सन के अंदर एक बात हमने पहले करी थी, अगर मान लो आपके आरएस के अंदर यू दिया हुआ है, यू वाली लाइन दी हुई है, आरएस के अंदर यू वाली लाइन दी हुई है और आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है,
आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को, अधिकतर मी माना जाता है। अधिकतर क्या माना जाता है? मी। ये पहला रूल था। दूसरा रूल था बेटा, आपको कुछ वर्ब्स मतलब वर्ब बदलनी पड़ती है, कुछ वर्ड्स बदलने पड़ते हैं। इनके बारे में खूब सारे सेंटेंस हमने करे थे। अगर आपका आरवी का वाक्य प्रेजेंट का है, अगर आपका आरवी का वाक्य प्रेजेंट का है तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी, वर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे। अगर आपका आरवी का वाक्य फ्यूचर का है तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी और वर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका आरवी का वाक्य पास्ट टेंस का है, बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, तो वर्ब भी चेंज होगी और वर्ड्स भी चेंज होंगे। तीसरा और चौथा और फाइनल रूल है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जाए कुछ भी आए वो सेंटेंस में एक शब्द भी नहीं बदलता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक शब्द भी नहीं बदलता है, उन सेंटेंसेस की भी हम बात करेंगे। इस तरीके से ये कल का मैटर था, देख लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं। कल के मैटर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि बेटा सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे सुनेंगे कि सर एक तो डॉट वाला सेंटेंस होता है, एक सर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस सर जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और शुरू के अंदर में आता है, एक सेंटेंस सर ऐसा होता है जिसके अंदर यहां पर कोई शब्द लिखा हुआ रहता है और ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, या हो सकता है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं सर जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं या डोंट से शुरू हो जाते हैं, ऐसे कुछ वाक्य होते हैं। इनमें क्या होता है कि सर ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है, इनमें इन्वर्टेड कॉमा के बाद में जो शब्द लगता है वो शब्द क्या क्या होते हैं कि सर वो शब्द डेट होता है, इफ होता है, डब्ल्यू एच या हाउ होता है, या फिर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदर होता है, या फिर सर टू होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इन सब के बाद में एक ही रूल लगता है एस एच वी ओ, इन शब्दों के बाद में एक ही रूल लगता है एस एच वी ओ। इनकी बातें मैं कल कर चुका था। अब वो क्या बातें थी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे ढंग से देखेंगे। अगर आपके सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य, इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य फुल स्टॉप का है, बोले तो सिंपल है, बोले तो क्या है सिंपल है, तो बेटा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाना होता है और डेट के बाद में अपना नियम था एस एच वी ओ का, ये मैंने पढ़ा दिया था। अब जो मैं आपको नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो देख लीजिए। माना कि ये कोई सेंटेंस है, माना कि ये कोई सेंटेंस है, सभी बच्चे गौर से देखेंगे, फिर इसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, खूब सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। माना कि ये कोई सेंटेंस है बच्चा पार्टी, ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ एक बार आप मान लीजिए। इस सेंटेंस में पहले ही शब्द के बाद में कोमा है, रिपीट कर रहा हूं सुनिएगा, पहले ही शब्द के बाद में कोमा है, तो बेटा सभी बच्चों को पता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आता है वो आर एस होता है। लेकिन 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 ये जो गोल अंडा मैंने यहां पर करा है, ये शब्द जो मैंने यहां पे लिखा है जो कोमा के साथ में है, ये शब्द बेटा आर एस का भाग नहीं है, ये शब्द आर एस का भाग नहीं है, ये आर वी का ऑब्जेक्ट है, ये आरवी का क्या है ऑब्जेक्ट है। दोबारा देखिएगा, वापस से दोबारा पढ़ा रहा हूं सुनिएगा। कोई शब्द है, शब्द के बाद में कोमा आ गया, तो बेटा ये शब्द आरएस का भाग नहीं है, ये शब्द आरवी का ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है सर, मान लो ये शब्द यहां नहीं आया, ये शब्द लास्ट में आया कोमा के बाद में, ये शब्द लास्ट में आया कोमा के बाद में, तो बेटा ये आर एस का भाग नहीं है, ये आरवी का ऑब्जेक्ट है, ये आरवी का क्या है ऑब्जेक्ट है। बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे मान लो कोमा के बाद में राम आ गया, तो वो राम आर एस का भाग नहीं है, वो राम आरवी का भाग है, आरवी का भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉपर नाउन, बेटा नाउन होता है नाउन, नाउन में प्रॉपर जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, एक शब्द में अगर मैं प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन दूं, तो बेटा दुनिया में जितने भी नाम हैं,
सुरेश, मुकेश, है ना, गंगा नदी, ये नदी, कोई भी नाम दुनिया में, कोई भी नाम, वो सब प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के अलावा कोई नाउन आ जाए तो बेटा वो नाउन से पहले द लगा देना, उस नाउन से पहले क्या लगा देना, द लगा देना, उस नाउन से पहले क्या लगा देना, द लगा देना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है राम सेड इन्वर्टेड कोमा अनीता के बाद में, बेटा कोमा लिखा हुआ है, अनीता के बाद में कोमा लिखा हुआ है, आई एक्सरसाइज डेली कोमा, और फिर कोमा नहीं है यहां पर, डेली के बाद में नाउ और फिर इन्वर्टेड कोमा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि आरएस के अंदर अनीता नाम की कोई लड़की है, कोई शब्द आया है, तो बेटा ये अनीता आरएस का भाग नहीं है, ये अनीता आरवी का ऑब्जेक्ट है, ये अनीता आरवी का ऑब्जेक्ट है। और सभी बच्चों को पता है ऑब्जेक्ट जो सेड आया है, सेड के बाद में टू आता है और टू के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहां तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो करेंगे क्या कि सर राम की जगह राम लिखा और इस सेड की जगह सेड नहीं लिखना है। वैसे बताया तो यही था कि सेड आने पर सेड लिखो, लेकिन बेटा सेड नहीं आया है, सेड टू है जो छुपा हुआ है, सेड टू है जो छुपा हुआ अनीता के अंदर। तो क्या करेंगे, सेड टू का हमने कर दिया टोल्ड, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इन्वर्ट मतलब उसके बाद में टोल्ड के बाद में सर ऑब्जेक्ट लिखेंगे अनीता, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट, आई कौन सा पर्सन है कि सर आई फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, आपका सब्जेक्ट क्या है राम, राम बोले तो ही, तो यहां पे ही कर दिया। ये कौन सी वर्ब है कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म कर दी, और डेली का डेली, और सर नाउ का क्या होता है, देन होता है, टी एच ई एन, नाउ का क्या होता है, देन होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखो, गीता ने सेड कहा यू विल गो देयर कोमा अर्जुन, बेटा अब की बार कोमा के बाद में अर्जुन आया है, तो ये अर्जुन नामक शब्द आरएस का भाग नहीं है, ये तो आरवी का ऑब्जेक्ट है, ये तो आरवी का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो गीता की जगह गीता, सेड नहीं है, सेड टू लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, हमें देखना पड़ेगा, तो सेड टू आने पर टोल्ड, और बेटा ये अर्जुन आपको यहां पर लिखना है, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर डेट, यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आपका ऑब्जेक्ट कौन है, अर्जुन है, बोले तो ही, तो ही हिज हिम क्या आएगा, पहला शब्द ही आ जाएगा, विल का क्या होगा, वुड होगा, गो का गो, देयर का देयर होगा, और ये सेंटेंस पूरा क्लियर है। अभी मैं बेटा कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, अभी कमेंट्स बाद में देखेंगे, पहले मैं कुछ समझा दूं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोबारा देखिए, सी सेड कोमा के बाद में मतलब कोमा से पहले मुकेश लिखा हुआ है, तो ये मुकेश आरएस का भाग नहीं है, ये आरवी का ऑब्जेक्ट है, तो भैया सी की जगह सी लिख दिया, ये सेड नहीं है, ये सेड टू है, तो हमने टोल्ड कर दिया, ऑब्जेक्ट मुकेश लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आपका सब्जेक्ट है सी, तो आई की जगह हो गया सी, एम का क्या हो गया, वॉज, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाती है, सेकंड फॉर्म में, और इज आर एम फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉज वर, गोइंग का गोइंग, एक बार में एक ही वर्ब बदलती है और पहली ही वर्ब बदलती है, टू की जगह टू आएगा, और योवर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आपका ऑब्जेक्ट है मुकेश, बोले तो ही हिज हिम, तो यहां पर बीच वाला शब्द हिज हो जाएगा, हाउस का हाउस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, ही सेड आई, सभी बच्चे गौर से देखेंगे, ही सेड आई कैन गिव यू मनी सीता, बेटा इन्वर्टेड कोमा से पहले कोमा है और उसके बाद में सीता लिखा हुआ है, तो ये सीता आरवी का भाग नहीं है, क्या नाम, आरएस का भाग नहीं है, ये सीता आरवी का ऑब्जेक्ट है, ये सीता आरवी का ऑब्जेक्ट है, तो ही की जगह ही लिखेंगे, सेड नहीं है ये, सेड टू सीता लिखा हुआ है, तो टोल्ड कर दिया और सीता लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही कर दिया,
केन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कुड हो गई, गिव का गिव हो गया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आपका ऑब्जेक्ट सीता है, सीता बोले तो सी है, तो सी का तीसरा शब्द सी हर हर, तो यहां पे यू की जगह हर हो गया, मनी की जगह आपका मनी हो गया, और सीता को आप पहले लिख चुके हैं, लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा दिया। एक बार कमेंट करके बताएं आपको मैंने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया कोमा वाला, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले, ये समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है? ये बच्चा कौन सा है, कैसे जाने, कैसे जाने बेटा, जानना कैसे है, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो टू तो लगेगा ही, ऑब्जेक्ट आएगा तो टू तो लगेगा ही, फालतू कमेंट मत करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं जाओ यहां से, कोई जरूरी नहीं है। देखिएगा बेटा यहां पे लिखा हुआ है ही सेड आई सेल नॉट टीच यू कोमा और बॉय, बेटा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। इतनी देर आ रहे थे नाम, इतनी देर क्या आ रहे थे नाम, मुकेश आया, सीता लिखा हुआ आया, सुरेश लिखा हुआ आया, और हमने उनको ऑब्जेक्ट बना दिया था, लेकिन अब की बार नाम नहीं आ रहा है, अब की बार कॉमन शब्द आ रहा है, बोले तो कॉमन नाउन आ रहा है, और जब कॉमन शब्द आता है तो वो कॉमन शब्द भी आरएस का भाग नहीं होता है, वो आरवी का ऑब्जेक्ट होता है, वो भी क्या होता है, आरवी का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उस शब्द से पहले द लगाना होगा, उस शब्द से पहले द लगाना होगा, उस शब्द से पहले क्या लगाना होगा, द, तो ये बॉय नहीं है, ये द बॉय लिखा हुआ है, ये बॉय नहीं है, ये द बॉय मानेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, ही की जगह आपने ही कर दिया, ये सेड नहीं है, ये सेड टू लिखा हुआ है, क्योंकि बॉय आ गया ना, इसका मतलब ये बॉय ऑब्जेक्ट है, लेकिन लिखा उधर है तो टू को हटा दिया, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो सेड टू का टोल्ड कर दिया, और बॉय नहीं लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, द बॉय लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर डेट लगाया जाएगा। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलो। अब यहां पे एक चीज गौर से देखना बेटा, आई के साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है आगे, सेल, सभी बच्चों को पता है कि टेंस के अंदर आई के साथ में सेल लगाया जाता है, आई और वी के साथ में सेल लगाया जाता है, टेंस के अंदर आई और वी के साथ में सेल लगाया जाता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, आई के साथ में और वी के साथ में सेल लगाया जाता है टेंस में। नरेशन में भी यही हो रहा है कि आई के साथ में सेल ही लगा हुआ आ रहा है, लेकिन भैया सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको सेकंड फॉर्म में बदलेंगे तो सेल का शुड होता है, सेल का क्या होता है, शुड होता है, लेकिन ये यहां पर टेंस हुआ ना, आई के साथ में सेल आया है, तो ये आई बदलेगा तो ये सेल भी बदल जाएगा, ये आई बदलेगा तो ये शेल भी बदल जाएगा, कि सर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग बदला तो ये ही हो गया, तो बेटा ये शुड भी होगा और वुड भी होगा, तो ही के साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वुड लगाना पड़ेगा, नॉट का नॉट हो गया, टीच का टीच हो जाएगा, अब लास्ट में बचा हुआ है यू, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और आपका ऑब्जेक्ट है बॉय, बोले तो ही वाला शब्द, तो लास्ट में आपने क्या कर दिया, हिम कर दिया, लास्ट में आपने क्या कर दिया बच्चा पार्टी, हिम कर दिया। अब मैं आगे आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, सारे बच्चे गौर से सुनेंगे, अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सेंटेंस हो, अगर कोई सेंटेंस हो और आरएस के अंदर पहले ही शब्द के बाद में कोमा हो, तो ये शब्द क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है आरवी का। लास्ट में कोई शब्द कोमा के बाद में हो तो ये शब्द क्या होता है, आरवी का ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये नाम है तो ऐसा का ऐसा ही लिख दियो, और अगर नाम नहीं है, नाम नहीं है, कॉमन नाउन है, नाम नहीं है, और अगर कॉमन नाउन है तो इस कॉमन नाउन से पहले आपको द लगाना पड़ेगा, इस कॉमन नाउन से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ठीक है, परविंद्र कुमार शर्मा, हाँ बेटा सेल बंद हो गया बट इन स्पोकन नॉट रिटन इंग्लिश, दोबारा बोलो मैंने क्या बोला, सेल बंद हो गया है स्पोकन इंग्लिश में, नॉट रिटन इंग्लिश, समझ में आई बात, रिटन इंग्लिश में सेल अभी भी चलता है, जब तक कंपटीशन चलेगा ना सेल भी चलेगा, ठीक है ना, कंपटीशन में सेल और विल का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल मॉडल है, टेंस में हट गया केवल बोलने में, लिखने में तो अभी भी यूज किया जाता है। ठीक है,
चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट की बात सुना रहा हूं, सारे बच्चे ढंग से सुनेंगे। अब जो मैं बात कर रहा था कि आरएस के अंदर जो परिवर्तन होते हैं ना, सबसे पहले हमने पर्सन का परिवर्तन देख लिया, दूसरा अपन ने वर्ब का परिवर्तन देख लिया, तीसरा अपन ने वर्ड्स का परिवर्तन देख लिया, और चौथा था सेंटेंस वाला। और मैंने ये बताया थे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो कौन कौन से सेंटेंस है। तो सारी बातें ध्यान रख लेना बेटा। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना वो सेंटेंस कभी चेंज नहीं होंगे। जो पूरे ब्रह्मांड में जिनकी मान्यता साबित है ना, वो सेंटेंस कभी चेंज तुम्हें नहीं करने हैं। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट्स होती है ना, जैसे साइंस, SCIENC, साइंस की बातें, इसी प्रकार से मैथ्स, मैथ्स की बातें, इसी प्रकार से जियोग्राफी की बातें, ठीक है, इसी प्रकार से आगे मैं बात करूं तो हिस्ट्री के फैक्ट्स, हिस्ट्री की बातें, HISTORY, हिस्ट्री की बातें, इसी प्रकार से मैं बात करूं तो बेटा आपके पास में आगे जाकर आता है जनरल ट्रूथ, GENERAL, जनरल ट्रूथ भी चेंज नहीं होते। अभी मैं सभी एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा। आगे मैं बात करूं कहावतें, SAYINGS, सेइंग्स, कहावतों की बातें कभी चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार से कॉमेंट्री, COMMENTRY, कॉमेंट्री की बातें चेंज नहीं होगी। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कभी चेंज नहीं होगी। रिपीट कर रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ, पृथ्वी गोल है, सूरज की पृथ्वी चक्कर निकालती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर निकालता है, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, ठीक है, आसमान नीला है, इस तरीके की बातें जो है सारी यूनिवर्सल ट्रूथ में। साइंस की बातें, साइंस में जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है, 0 डिग्री पे जमता है ना, इस तरीके की बातें। मैथ्स में दौड़ दो 4 होते हैं, है ना, दौड़ दो 22 होते हैं, इस तरह के मैथ्स के फैक्ट बदलते नहीं है। जियोग्राफी, भूगोल की मैं बात करूं तो अब सभी बच्चों को पता है कि भारत जो है, मतलब हिमालय जो है वो उत्तर पूर्व में है, तो ये ज्योग्राफी की बातें आ जाएगी, उस जगह ऐसी लाल मिट्टी, उस जगह पीली मिट्टी है, ये सारी ज्योग्राफी की बातें आ जाएगी। इतिहास के अंदर जैसे गांधी जी महान है तो महान ही होंगे, भारत 1947 में आजाद हुआ तो 1947 में ही आजाद हुआ, ये फैक्ट्स है। समुद्र गुप्त महान है तो महान ही है, विलियम शेक्सपियर महान है तो महान ही है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात फिक्स है तो वो फिक्स है ही, ये हिस्ट्री में आ जाएगी। जनरल ट्रूथ के अंदर है कि मानव आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, पैरों से चलता है, हाथों से खेलता है, लिखता है, ये सब बातें जनरल ट्रूथ में आ जाती है। कहावतें जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हो गई, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गई, ऐसी कई बातें अभी करेंगे अपन। कमेंट्री के अंदर कोई भी कमेंट्री की जाती है, सारी बातें। हेडलाइंस, जो अखबार की हेडलाइंस होती है वो भी आपको याद रखनी है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी अभी बताई है, इनमें मैंने इतना ही कहा है कि ये सेंटेंसेज चेंज नहीं होंगे, ये सेंटेंसेज चेंज नहीं होंगे, क्लियर है, ये सेंटेंसेज चेंज नहीं होंगे। आगे चलूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे देखिएगा आपको मैं क्या सुना रहा हूं। ये हमारा सेंटेंस था जो कंप्लीट हुआ, आगे देखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये कौन सा ट्रूथ है? कि सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर निकालती है। और मान लो, और आपने इसको चेंज करना है और आपने कर दिया MOVED, मूड, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर निकालती थी, आजकल चंद्रमा के चक्कर निकाल रही है, ऐसे थोड़ी ना होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा, नहीं बदल सकते। आगे है दूसरा सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन होता है वो ईस्ट में उदय होता है। तुम कहोगे कि नहीं, हमारे घर के पीछे से होता है, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, ईस्ट में ही होता है तो ईस्ट में ही होगा। आगे मैं बढ़ रहा हूं, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बेटा संडे जो होता है वो फर्स्ट डे होता है वीक का, जो सप्ताह होता है, वीक जो होता है उसका पहला दिन संडे काउंट होता है, लेकिन वर्किंग डे के अंदर मंडे काउंट होता है, वर्किंग डे के अंदर मंडे काउंट होता है, तो ये फिक्स है तो फिक्स है ही। गॉड हेल्प्स दोज
Who help them salvage? अरे भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर तुम्हें एग्जाम फाइट करना है तो बेटा क्रम करना पड़ेगा, बाद में भगवान साथ देगा। तुम सोचो कि मैं रजाई ओडे ओडे एनडीए एयरफोर्स नेवी सीडीएस पास कर लूं, तो बेटा इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड आफ्टर देन यू हैव टू स्मार्ट वर्क। पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बाद में जाकर आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा। इस तरीके की बातें हैं जो फिक्स है। फिर है लाइफ एंड्स इन डेथ, ये भाई साहब यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जीवन का अंत, भाई जीवन का अंत मृत्यु से होता है, जीवन का अंत मृत्यु से होता है, ये फिक्स है, आप इनको बदल नहीं सकते। अगर तुमने एंड की जगह एंडेड कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जीवन का अंत मृत्यु से होता था। आजकल तो पड़ोसी से हो जाता है ना, आजकल तो अदाओं से हो जाता है, तिरछी नजरों से हो जाता है, वो काम नहीं करेगा बेटा। आगे देखते हैं, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो होती है वो साल का पहला महीना होता है और ये जनरल ट्रूथ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इस इज की जगह आप वॉज नहीं कर सकते। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं स्ट्रेंजर्स को देखकर, अजनबियों को देखकर, तो ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये कहावत है, इस कहावत को आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। देखिएगा बेटा, वेन द कैट इज अवे, बेटा बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है कि वेन द कैट इज अवे, कि बेटा जब बिल्ली दूर जाती है ना तो चूहे डांस करने लग जाते हैं, बिल्ली दूर जाती है तो चूहे डांस करने लग जाते हैं, और जब बिल्ली पास होती है तो चूहे बिल में घुस जाते हैं। जनरल ट्रूथ है, क्योंकि बिल्ली चूहों को खाती है, चूहा सामने आएगा नहीं, तो इससे जनरल ट्रूथ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर आगे लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेटा ये आज से हजारों साल पहले भी यही सेंटेंस था, आज भी यही सेंटेंस है और हजारों साल बाद में भी ये यही सेंटेंस रहेगा, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो है ही, बदलेगा नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस पे फोकस करिए बेटा सारे बच्चे। पेन इज माइटियर, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, बेटा ये पुरानी कहावत है कि जो दिमाग की ताकत होती है ना वो शरीर की ताकत से ज्यादा होती है। दिमाग की ताकत मतलब कलम की जो ताकत होती है वो तलवार की ताकत से ज्यादा होती है, ये भी एक सेइंग है, कहावत है। 35 नंबर, समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, बेटा ये जो पॉइंट आ रहा है ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। समुद्र गुप्त नाम का जो व्यक्ति है जो इंडिया में हुआ था, और नेपोलियन क्या नाम, जो नेपोलियन नाम का बंदा है ये इंडिया से बाहर का था। नेपोलियन ने भी लगातार 100 युद्ध जीते थे और समुद्र गुप्त ने भी 100 युद्ध जीते थे, इसलिए हमारे समुद्र गुप्त को बाहर का नेपोलियन कहा जाता है और ये फैक्ट है, चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कालिदास इज द बाप ऑफ द हिंदी, है ना, कालिदास इज द बाप ऑफ द हिंदी एज वेल एज विलियम शेक्सपियर इज द बाप ऑफ द इंग्लिश, वही बात है। तो यहां पर बात की जा रही कि कालिदास नाम का जो बंदा है वो शेक्सपियर है इंडिया का, चेंज नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ पानी जो है वो बॉइल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान ये पानी है जो उबलता है, जो साइंस की बात है, चेंज नहीं कर सकते। बेटा 2 और 2 4 होते हैं, आप बदल नहीं सकते, और 2 और 2 22 होता है, गणित की बातें आप चेंज नहीं कर सकते। 2 और 2 22 भी होते हैं और 2 और 2 4 भी होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते, 3 नहीं होते। स्टार्स मतलब जो तारे हैं, ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हैं, चमचमाते हैं इन द स्काई, आप चेंज नहीं कर सकते। ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, बेटा थोता चना बाजे घना, चेंज नहीं कर सकते। अध जल गगरी छलकत जाए, चेंज नहीं कर सकते, जो है वो ही रहेगा। फिर लिखा हुआ है रोज की जो खुशबू होती है वो सभी को सुहावनी लगती है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि गुलाब के फूल में से बदबू आ रही है, आपको बेवकूफ बताया जाएगा अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये आप चेंज नहीं कर सकते। आई टेक टी 2 times इन ए डे, मैं दिन में 2 बार चाय लेता हूं, ये उसका डेली हैबिट है, तो एक बार सेंटेंस को छोड़ दो, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं।
क्या हुआ भाई? आइडिया वो का बेटा क्या बात होगी आइडिया? एक बार आप कमेंट आपस में करना बंद कर दो ना, क्या दिक्कत है? क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? आइडिया गाली वाली निकाली जा रही है, मतलब लड़ाई हो रही है? अच्छा चलो देखो, देखते हैं अभी। नमस्ते 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 बेटा, ये गाली वाली निकालो मत यार, गंदी बात है ना। देखिएगा सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर, गाली नहीं देनी बेटा किसी को, है ना। देखो अगला सेंटेंस है हमारा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान लगाए। आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं चाय लेता हूं बिना चीनी की, ये भी ठीक है। माई फादर रिटायर्स, बेटा ये फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान, FUTURE फ्यूचर, FIXED फिक्स्ड, PLAN फ्यूचर फिक्स्ड प्लान। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर फिक्स्ड प्लान की, और फ्यूचर फिक्स प्लान है नेक्स्ट मंथ। मुझे ये बताइए, जिस दिन आपकी नौकरी लग गई, आप एनडीए में सिलेक्ट हो गए, एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए, नेवी के आप ऑफिसर बन गए, बेटा जिस दिन आपका कॉल लेटर आपके हाथ में होगा, उसी दिन डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिख दिया जाएगा कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 18 साल में, जितनी भी आपकी नौकरी होती है उस दिन आपका रिटायरमेंट होगा, वो फिक्स है। तो फ्यूचर में फिक्स हो गया ना, और जो फ्यूचर में फिक्स होता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है वर्ब की फर्स्टों में, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। टुमारो इज संडे, मान लो आज शनिवार है, मान लो आज शनिवार है और मैं कहूं कल रविवार है, तो बदल सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता। तो ये ऐसे सेंटेंस फिक्स होते हैं। इंडिया विंस द मैच, भारत मैच जीतता है, बेटा ये हेडलाइन है, ये क्या है? हेडलाइन है, ठीक है। ये क्या है बेटा? हेडलाइन है, ये हेडलाइन है। आगे देखो, इंदिरा गांधी डाइज, इंदिरा गांधी जब मरी थी एक्सप्लोशन के अंदर, बॉम्ब विस्फोट के अंदर जब इंदिरा गांधी मरी थी, और दूसरे दिन जब अखबार में खबर आई थी हेडलाइन के अंदर, तो बेटा डाइज लिखकर ही आया था, डाइड लिखकर नहीं आया था। टाइम एंड टाइड, इसका मतलब होता है बेटा समय। टाइम एंड टाइड का मतलब क्या होता है? समय होता है, ज्वार और भाटा नहीं होता, ज्वार और भाटा नहीं होता। केवल टाइड आने पर ज्वार और भाटा होता है, लेकिन टाइम एंड टाइड आता है उसका मतलब केवल समय होता है। मेरी बातें दोबारा से सुनिएगा, अगर टाइम एंड टाइड आया है तो उसका मतलब समय होता है, और केवल टाइड आया है तो उसका मतलब ज्वार भाटा कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। 2:30 बजे क्लास होती है और तो 2:30 बजेगी बजेगी, चाहे मैं आऊं चाहे नहीं आऊं, 2:30 तो बजेगी, 2:30 तो बजेगी, समय किसी का वेट नहीं करता है। वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, बेटा जो गुण होता है ना, उस गुण का रिवॉर्ड खुद ही होता है, गुण अपने आप का इनाम होता है, गुण ही अपने आप का इनाम होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कहते हैं ना कि चेहरा देखकर लोग बता देते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है, चेहरा देखकर लोग बता देते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये वाला फ्रेज है बेटा। द अर्थ रोटेट्स, पृथ्वी घूमती है, रोट करती है, राउंड करती है, ऑन इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, ठीक है। चलिएगा, डेथ मतलब मृत्यु, कम्स मतलब आती है, सूनर और लेटर, कभी ना कभी, भाई साहब मृत्यु कभी ना कभी तो आती ही आती है, आप इसको रोक नहीं सकते। अकबर ने डिफीटेड मतलब हराया था हेमू को इन द सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हराया था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप बदल नहीं सकते। अकबर ने हेमू को हराया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही रहेगा, इसका आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते, इसका आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देखिए स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा बेटा लिखा हुआ है, कीट्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसने लिखा था, उसने लिखा था क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि भैया जो नेचर होती है ना, प्रकृति, प्रकृति की एक छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा आनंद देती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। प्रकृति का चाहे झरना ले लो, प्रकृति के चाहे मतलब पशु पक्षी ले लो, प्रकृति की चाहे हवा ले लो, प्रकृति के चाहे कुछ भी ले लो,
उसकी एक छोटी सी चीज भी बड़ा आनंद देती है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो किड्स की जगह किड्स रहेगा, रॉट की जगह रॉट रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगाया जाएगा, ए की जगह ए, थिंग की जगह थिंग, ऑफ की जगह ऑफ, ब्यूटी की जगह ब्यूटी, और बेटा इज की जगह इज ही रहेगा, वॉज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, नेचुरल सेंटेंस है, जनरल ट्रूथ है। कैसा ट्रूथ है बेटा? जनरल ट्रूथ है। देखिएगा अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, भारत को आजादी 1947 में मिली थी, तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो द का द, टीचर का टीचर, सेड का सेड ही करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगा देंगे, इंडिया की जगह इंडिया, गॉट की जगह गॉट। बेटा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसका आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है। फ्रीडम की जगह फ्रीडम, इन की जगह इन, और 1947 की जगह 1947 ही आएगा, 1947 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 के बाद में 56 नंबर, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, जो शायद आपको नहीं पता होगी नरेशन में, रिपीट कर रहा हूं मेरी बातें, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, शायद आपको नरेशन में नहीं पता होगी, मैंने शायद बोला है। देखिएगा सारे बच्चे, ये सेंटेंस है, ये आरएस है, ये आरबी है, सुनिएगा ढंग से। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जिनको देखते ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, पता है क्या? वो ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, आगे जाके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। एज इफ आता है, आगे जाके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, याद आ रहा है क्या? सपोज्ड आता है, एस यू डबल पी ओ एस ई डी, है ना, आगे जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। इफ ओनली आता है सेंटेंस में, इफ ओनली आने पर आगे जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, फिक्स है, इफ ओनली आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, सपोज्ड आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, एज इफ आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, इट इज टाइम आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ऐसा फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, आगे जाकर सेंटेंस आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, आगे जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म का सेंटेंस आता है। तो भैया इनमें से कौन से टेंस में परिवर्तन होगा, इस वाले फ्रेजेस में परिवर्तन होगा कि इस वाले फ्रेज में परिवर्तन होगा, इस वाले सेंटेंस में परिवर्तन होगा कि उस वाले सेंटेंस में परिवर्तन होगा? बताओ किस वाले सेंटेंस में परिवर्तन होगा? तो देखिए स्क्रीन के ऊपर समझ में आएगा, सेंटेंस है, द चिल्ड्रन सेड वी विश वी डिडंट हैव टू एग्जाम। सभी बच्चों को पता है कि जब सब्जेक्ट के बाद में विश लिखा हुआ आता है, जब सब्जेक्ट के बाद में विश लिखा हुआ आता है तो आगे जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म का सेंटेंस आता है। क्या बोल गया मैं, दोबारा से सुनिएगा, जब वाक्य सब्जेक्ट प्लस विश से शुरू होता है, दोबारा बोल रहा हूं, जब वाक्य सब्जेक्ट प्लस विश से शुरू होता है आगे जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जब वाक्य इट इज टाइम से शुरू होता है तो आगे जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जब वाक्य इफ ओनली से शुरू होता है तो आगे जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन से फ्रेज में परिवर्तन होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में परिवर्तन होगा, पहले वाले में परिवर्तन होगा, दूसरे वाले में परिवर्तन नहीं होगा। यहां पे ये जो विश नजर आ रहा है, इस विश को ही चेंज करोगे आप सेकंड फॉर्म में, लेकिन ये जो डिडंट लिखा हुआ दिख रहा है, इस डिडंट में चेंज नहीं होगा, यही मेरे को बताना था। क्लियर है? दोबारा से देखिए, द की जगह किसर द, चिल्ड्रन की जगह किसर चिल्ड्रन, सेड की जगह किसर सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट, और बेटा वी आने पर फिक्स है,
वी ओवर अस आने पर दे देर देम, कि सर वी आने पर फिक्स है दे, और बेटा विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म हमने लगा दी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, यहां पे लिखा हुआ है वी, वी का क्या हो जाता है कि सर दे हो जाता है, और डिड नॉट का कि सर चेंज नहीं होगा, तो डिड नॉट का डिड नॉट, हैव का हैव, टू का टू, टेक का टेक, और एग्जाम का एग्जाम, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब परिवर्तन किस में होगा, पहले वाले फ्रेज में परिवर्तन होगा, पहले वाले फ्रेज में परिवर्तन होगा। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, सभी बच्चे दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। रीनू ने कहा बिल वॉन्ट्स, बिल चाहता है टू गो जाना एलोन अकेला, बट आई वुड रादर, वुड रादर, सभी बच्चों को पता है, सभी सभी बच्चों को पता है, सभी सभी बच्चों को पता है कि जब वुड रादर आता है आगे जाकर सेंटेंस चलता रहता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दोबारा से देखिए, वुड रादर के बाद में सभी बच्चे, वुड रादर आता है सेंटेंस में लिखा हुआ डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड, और आर ए टी एच ई आर, इसी प्रकार से एच ए डी बी ई डबल टी ई आर, हेड बेटर, वुड रादर हेड बेटर, हेड सुनर, सुनिएगा सारे बच्चे, हेड सुनर, स्क्रीन शॉट ले लेना। इनके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन आगे जाकर कोई सेंटेंस आ जाए तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसमें आगे जाकर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। रिपीट अगेन, वुड रादर के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड बेटर के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड सुनर के बाद में जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, रिक्त स्थान दिया हुआ है तो, लेकिन रिक्त स्थान आगे 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 जाकर दिया हुआ है तो आपका आंसर होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं, इसमें आपको परिवर्तन करना है, आर एस के अंदर इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखिए सेंटेंस, तो रीनू की जगह कि सर रीनू आ जाएगा, सेड की जगह कि सर सेड आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर सर डेट, बिल की जगह कि सर बिल ही आएगा, वॉन्ट्स सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, टू गो की जगह टू गो हो जाएगा, और सर एलोन की जगह एलोन हो जाएगा, बट की जगह सर बट हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है और सर सब्जेक्ट रीनू नाम की लड़की है तो सी कर दिया, और सर वुड, मुझे बताओ विल का क्या बनता है, कि सर विल का तो वुड बनता है, लेकिन वुड का क्या बनता है, कुछ ही नहीं। केन का क्या बनता है, कि सर कुड बनता है, लेकिन कुड का क्या बनता है, कि सर कुछ ही नहीं। तो यहां परिवर्तन होता अगर विल वगैरह कुछ होता तो, कि सर वुड का वुड, रादर का रादर, ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, और सर दूसरा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का सेंटेंस आ रहा है वो तो परिवर्तन होगा ही नहीं। तो वेंट का वेंट, विद का विद, ए का ए, और सर ग्रुप का ग्रुप हो गया, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस, ही की जगह ही, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर डेट, इट की जगह इट, और इज की जगह वॉज, और टाइम की जगह टाइम, कैसा फ्रेज आया, इट इज टाइम वाला, कैसा फ्रेज आया, इट इज टाइम वाला, परिवर्तन किस में होगा, इट इज टाइम में होगा, आगे जाकर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो वी की जगह दे, क्योंकि वी का दे बनता है, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिगेन की जगह बिगेन ही रहेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं करोगे, प्लानिंग की जगह प्लानिंग, ओवर की जगह देयर, क्योंकि वी ओवर अस किस में बदलता है, दे देयर देम में, और हॉलीडेज की जगह हॉलीडेज, हॉलीडेज की जगह हॉलीडेज। बिल का चेंज क्यों नहीं हुआ, अरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, बिल नाम है कैसे चेंज करूं, राम है तो राम ही रहेगा ना, तो बिल बिल ही रहेगा। आगे देखो अगला सेंटेंस, सारे बच्चे समझते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, द टीचर की जगह द टीचर, सेड टू की जगह टोल्ड, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर डेट, सरिता की जगह सरिता, हेड की जगह हेड, बेटर की जगह बेटर, बेटा हेड बेटर के बाद में कौन सी वर्ब, कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आगे जाकर कोई सेंटेंस आता है तो कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिपीट कर रहा हूं क्या बोल गया, हेड बेटर के बाद में कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेड बेटर के आगे 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 जाकर वर्ब हो तो वर्ब की
सेकेंड फॉर्म। चलिए तो हेड बेटर की जगह सर हेड बेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समवन की जगह समवन, सर विद की जगह विद, हर की जगह कि सर हर, एज की जगह एज, इट की जगह इट। अब यहां पर दिया हुआ है हेज, अब यहां पे क्या दिया हुआ है हेज दिया हुआ है, तो हेज का आपने क्या बना दिया कि सर हेड बना दिया, ग्रोवन का ग्रोवन और डार्क का डार्क। बड़ा इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। चलो अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस देखो सारे बच्चे, अगला सेंटेंस देखो क्या होगा। द की जगह द, टीचर की जगह टीचर, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देड। अरे भाई बिल वाले बच्चे सुन ले, ये टॉम भी नाम है। अरे जिसका लेटर बड़ा आ जाता है ना वो प्रॉपर नाउन होता है, तो टॉम है ये नाम है, टॉम की जगह टॉम और हेड बेटर की जगह कि सर हेड बेटर ही आएगा, डिपॉजिट की जगह डिपॉजिट ही आएगा, हिज थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, ड्यूज की जगह ड्यूज, विदिन की जगह विदिन और प्रेस्क्राइब्ड की जगह कि सर प्रेस्क्राइब्ड ही आएगा और टाइम की जगह टाइम ही आएगा, टाइम की जगह टाइम ही आएगा। क्लियर है सर? ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है क्या सर प्लीज बताइए बेटा। कृष्णा आगे क्या लिखा हुआ पार्थनी, बेटा ये एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया में जितनी ग्रामर होती है ना उसमें सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे, ही की जगह ही, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर देट, थर्ड पर्सन की जगह थर्ड पर्सन और यूज्ड टू की जगह यूज्ड टू ही आएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यूज्ड टू, तो अरे नहीं रे नहीं, यूज्ड टू तो मॉडल है, यूज्ड टू तो क्या है मॉडल है, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, लेकिन सर शुड का तो शुड ही रहता है, वुड का तो वुड ही रहता है, यूज टू का यूज टू ही रहता है, ओट टू का ओट टू ही रहता है, निडंट का निडंट ही रहता है, मॉडल तो चेंज ही नहीं होता, केवल फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलती है। तो सर यूज टू की जगह यूज टू, बी की जगह बी, ए की जगह ए, लवली की जगह लवली और क्यू यू आई ई टी की जगह क्यू यू आई ई टी और स्ट्रीट की जगह स्ट्रीट हो गया सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नैन्सी की जगह नैन्सी, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार नैन्सी नाम की लड़की है तो सी कर दिया, डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा। और जब भी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है किसमें चेंज होती है, जब भी वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है किसमें चेंज होती है, जब भी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है किसमें चेंज होती है कि सर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, किसमें चेंज होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, नॉट का नॉट, टू का टू, बाई का बाई और द हाउस की जगह द हाउस, बिकॉज का बिकॉज, इट की जगह इट, वॉज की जगह वॉज, अब हेडबीन नहीं होगा, वॉज की जगह हेडबीन नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ऑन की जगह ऑन, ए मेन मेन रोड की जगह ए मेन रोड हो जाएगा। ठीक है क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को समझ लो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझ लो क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ लो क्या लिखा हुआ है। वॉज चेंज कर दो बेटा हेडबीन में, वॉज चेंज कर सकते हो हेडबीन में, बट चार ऑप्शन के अंदर अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, है ना, चेंज हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा देखिएगा सारे बच्चे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सेड आस्क्ड ऐसे शब्द नहीं आते, उनके अंदर जो आगे शब्द दिया हुआ रहता है ना उसी को बदलना पड़ता है। अगर वाक्य के अंदर शुरुआत हो रही है थैंक यू से, अगर वाक्य की शुरुआत थैंक यू से हो रही है, सुनिएगा ढंग से, अगर हाँ ये समझा रहा हूं ना, अगर वाक्य की शुरुआत थैंक यू से हो रही है, कई शब्द लिखवाऊंगा अभी तीन चार शब्द है, ये चार शब्द ध्यान रखना, पहला शब्द थैंक यू ही है, पहला शब्द थैंक यू ही है,
अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत थैंक यू से हो रही है तो सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं मेरे शब्दों को सुनिएगा, अगर वाक्य की शुरुआत थैंक यू से हो रही है, थैंक यू बोले तो ये इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य में वाक्य की शुरुआत थैंक यू से हो रही है तो थैंक यू नामक शब्द को तो हटा देंगे और सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? थैंक्ड। देख लो कि ही की जगह कि सर ही, और सेड टू की जगह, सेड टू की जगह, सेड टू की जगह, बोलो सेड टू की जगह क्या आएगा? कि सर सेड टू की जगह आएगा थैंक्ड। सेड टू की जगह क्या आएगा? थैंक्ड, क्योंकि थैंक यू को हटा दिया जाता है, थैंक यू को हटा दिया जाता है और सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड किया जाता है। इतना समझ में आ गया? दोबारा बोलू कि अगर वाक्य के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर थैंक यू लिखा हुआ आ रहा है शुरू में, तो उस थैंक यू को हटाकर सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड कर दिया जाता है। तो सर ही की जगह ही, सेड टू की जगह थैंक्ड, और द बॉय की जगह द बॉय। थैंक यू को हटा चुके, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट भी नहीं लगता है। फिर क्या आ रहा है? फोर, तो फोर की जगह फोर, गिविंग की जगह गिविंग, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल के देख लेना, हिम हो जाएगा, और हेल्प की जगह हेल्प। इसका मतलब क्या समझे कि सर अगर वाक्य में थैंक यू आए, अगर वाक्य में सर क्या आए? थैंक यू आए, तो थैंक यू की जगह हमें करना क्या होगा? थैंक्ड करना होगा। क्या करना होगा? थैंक्ड, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता है, डेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता है। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहा हूं, दूसरे शब्द की बात कर रहा हूं, देखिएगा। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत आई फील सॉरी बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फील, और फील के बाद में एस ओ डबल आर वाई से शुरुआत हो, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्ट फील और सॉरी आए, अगर आपके वाक्य की शुरुआत, लिखते रहना नोट्स वर्ड्स क्या बना लो अभी, अगर वाक्य की शुरुआत में मतलब इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस में सब्जेक्ट फील और सॉरी लिखा हुआ है तो उसके अंदर सेड या सेड टू की जगह फेल्ट सॉरी किया जाता है। क्या किया जाता है? फेल्ट सॉरी। इसकी जगह क्या किया जाता है? एफ ई एल टी फेल्ट, एस ओ डबल आर वाई। अगर अभी नहीं बनाना चाहते हो नोट्स तो स्क्रीनशॉट ले लो, ही की जगह कि सर ही, सेड की जगह कि सर फेल्ट सॉरी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर कुछ नहीं लगता, और आई फील सॉरी कि सर लिख चुके हैं, फोर की जगह फोर, वॉट की जगह वॉट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कि सर ही, और ये हैव कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? कि सर हेड, और सेड की जगह कि सर सेड हो गया। ये वाक्य हमारा कंप्लीट। दो शब्द बता दिया, थैंक यू हो गया, और आई फील सॉरी बोले तो सब्जेक्ट फील सॉरी, सब्जेक्ट फील सॉरी। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है? ये सोनू शर्मा कौन है भाई? इतना एडवांस क्यों बढ़ रहा है? हैं, अभी जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़, उस पर फोकस कर बस, ज्यादा एडवांस नहीं। सब पढ़ा दूंगा, एडवांस का बाप भी पढ़ा रहा हूं मैं, टेंशन मत कर तू। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ही की जगह कि सर ही। अब तीसरा शब्द, अब तीसरा शब्द आ रहा है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में होप लिखा हुआ आ जाए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ आ जाए? होप लिखा हुआ आ जाए। तीसरा शब्द है सब्जेक्ट के बाद में होप लिखा हुआ आ जाए तो सेड या सेड टू की जगह होप्ड करेंगे, क्या करेंगे? होप्ड करेंगे। तो ही की जगह ही, सेड की जगह होप्ड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कि सर कुछ नहीं, और आई होप को लिख चुके हैं, अब ये लिखा हुआ है माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। फ्रेंड की जगह फ्रेंड, और विल का वुड, कम का कम, और सर टूडे का दैट डे, टूडे का दैट डे, टूडे का दैट डे। क्लियर है? क्लियर है? तीन शब्द, पहला शब्द थैंक यू, दूसरा शब्द सब्जेक्ट फील सॉरी, तीसरा शब्द सब्जेक्ट होप। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिएगा। अब यो तीन शब्द थे, अब वापस से आप देख सकते हैं ढंग से, यहां कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमा आ गया, और सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा थैंक यू,
सभी बच्चों को थैंक यू नजर आ रहा होगा, तो बताओ बच्चों थैंक यू का क्या बनेगा? कि सर सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड बनेगा, सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड बनेगा, सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड बनेगा। और अब एक चीज और लिख लो, एक चीज और नोट कर लो, अगर वाक्य में सर या मैडम आ जाए, अगर वाक्य में सर या मैडम आ जाए, अगर वाक्य में सर या मैडम आ जाए, तो बेटा आपको रेस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा सेड या सेड टू को बदलने से पहले। वाक्य में सर या मैडम आ जाए, लिख लो, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, क्या अगर वाक्य में सर या मैडम आ जाए तो सेड या सेड टू को बदलने से पहले, सेड या सेड टू को बदलने से पहले रेस्पेक्टफुली लगाना होगा और सर और मैडम को हटा देंगे, सर और मैडम को हटा देंगे। क्लियर है? दोबारा से देखिए, देखिए द की जगह द, सर्वेंट की जगह सर्वेंट, और बेटा सेड टू आया है और आगे आपको थैंक यू नजर आ रहा है, तो थैंक यू को हटाकर क्या लगाया जाता है? थैंक्ड। लेकिन हमने आगे जाकर देखा कि सर यहां आया हुआ है सर, और जैसे ही सर आया इस सर नामक शब्द को हटा देंगे, लेकिन सेड या सेड टू को बदलने से पहले रेस्पेक्टफुली लिखा जाएगा और उसके बाद में थैंक्ड लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कुछ नहीं लगाएंगे सर, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कुछ नहीं लगाएंगे। पहले तो द मास्टर लिख दो, तो सर द मास्टर लिख दिया, उसके बाद में फोर आ रहा है, फोर लिख दिया। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लो कि सर हिज हो गया और हेल्प की जगह इसकी सर हेल्प हो गया। बन गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बिल्कुल सोनू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो बेटा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बनाइए फटाफट। 67 क्वेश्चन का आंसर दीजिए तुरंत। कि सर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य की शुरुआत हो रही है थैंक यू से, और सर थैंक यू को तो हटा देते हैं, और सेड या सेड टू की जगह थैंक्ड लिखा जाता है, तो सर सी की जगह सी और सेड को हटाकर थैंक्ड लिख दिया और बाकी का वाक्य है ही नहीं, तो वाक्य बन गया सी थैंक्ड। वाक्य क्या बन गया? सी थैंक्ड। शाबाश एवरीवन, कांग्रेचुलेशन। ये चौथा शब्द, ये चौथा शब्द बेटा, ये चौथा शब्द, कांग्रेचुलेशन आते ही कांग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन आते ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन को किस में बदल देंगे? कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन बड़ा आसान है, बनाते हैं। देखिएगा द की जगह द, ट्रैफिक की जगह ट्रैफिक, इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर, सेड टू की जगह टोल्ड, द की जगह द, ड्राइवर की जगह कि सर ड्राइवर, और इन्वर्टेड कोमा को उठाकर कि सर दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सर आपका ऑब्जेक्ट है ड्राइवर, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ड्राइवर। ड्राइवर सी भी होती है और ड्राइवर ही भी होता है, लेकिन ज्यादा प्रीफरेंस ही को दिया जाता है, ही को, तो हमने सर यू को बदल दिया ही में। सर मस्ट आया है तो सर मस्ट का मस्ट, ऑलवेज का कि सर ऑलवेज, ड्राइव का कि सर ड्राइव, विद इन का कि सर विद इन, और द स्पीड लिमिट का कि सर द स्पीड लिमिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर सारा का सारा क्वेश्चन इजी था, कोई परिवर्तन कहीं भी नहीं हुआ, कोई परिवर्तन कहीं भी नहीं हुआ। आगे वाला क्वेश्चन, आगे आगे आने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा रहा हूं सुनिएगा। द ऑफिसर सेड टू, ऑफिसर ने कहा किसी लड़की को कि यू मस्ट ब्रिंग योर बर्थ सर्टिफिकेट, तुम्हें तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना है टुमारो। नोट कर लो मैं जो लिखवा रहा हूं, नोट करो जो मैं लिखवा रहा हूं। अगर मस्ट वाले वाक्य में फ्यूचर की बात आ जाए, लिखो, अगर मस्ट वाले वाक्य में फ्यूचर की बात आ जाए तो मस्ट का मस्ट नहीं होता है, मस्ट को बदल दिया जाता है वुड हैव टू में। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो, लिखो, अगर मस्ट वाले वाक्य में फ्यूचर की बात आ जाए तो मस्ट को चेंज कर दिया जाता है, मस्ट बराबर लिख लो वुड हैव टू, मस्ट बराबर वुड हैव टू, पीडीएफ नहीं मिलेगी, वुड वुड हैव टू,
वुड हैव टू, मस्ट बराबर वुड हैव टू, मस्ट बराबर वुड हैव टू। अगर मस्ट वाले वाक्य में फ्यूचर की बात हो तो द ऑफिसर की जगह द ऑफिसर, सेड टू की जगह टोल्ड, हर की जगह हर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर देट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो, ऑब्जेक्ट है लड़की तो बन गया सर सी, और मस्ट आने पर वुड हैव टू, वुड हैव टू। ब्रिंग की जगह ब्रिंग, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, बर्थ की जगह बर्थ, सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट, विद की जगह विद, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, और टुमारो आने पर द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। ज्यादा सही द फॉलोइंग डे माना जाता है, ज्यादा सही द फॉलोइंग डे माना जाता है, ज्यादा सही द फॉलोइंग डे माना जाता है, ज्यादा सही द फॉलोइंग डे माना जाता है। मस्ट को चेंज कर दिया जाता है, बिल्कुल शाबाश। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी तो एक मस्ट की और बात आएगी। अगर वाक्य में मस्ट वाले वाक्य में फ्यूचर की बात हो, मस्ट वाले वाक्य में फ्यूचर की बात हो, मस्ट वाले वाक्य में फ्यूचर की बात हो तो मस्ट को वुड हैव टू में चेंज कर दिया जाता है, वुड हैव टू में चेंज कर दिया जाता है, वुड हैव टू में चेंज कर दिया जाता है। अब तीसरा रूल है, अगर मस्ट वाला वाक्य, अगर मस्ट वाले वाक्य में, अगर मस्ट वाले वाक्य में पास्ट की बात हो, अगर मस्ट वाले वाक्य में पास्ट की बात हो तो हेड टू में चेंज कर दिया जाता है। मस्ट वाले वाक्य में पास्ट की बात हो तो हेड टू में चेंज कर दिया जाता है, मस्ट वाले वाक्य में पास्ट की बात हो तो हेड टू में चेंज कर दिया जाता है, हेड टू में चेंज कर दिया जाता है। मस्ट वाले वाक्य में पास्ट की बात हो तो हेड टू में चेंज कर दिया जाता है, ही की जगह ही, सेड टू की जगह टोल्ड, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर देट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार आई, मस्ट का अभी पता नहीं, स्टॉप का स्टॉप, इट का देट, इट का देट भी बनता है, इट का इट भी बनता है, एट का एट हो गया, और वंस सर पास्ट है, वंस बोले तो एक बार, और एक बार पास्ट का मार्क है, और सर जैसे ही पास्ट का मार्क आया तो हमने मस्ट का कर दिया हेड टू, हमने मस्ट का कर दिया हेड टू, हमने मस्ट का कर दिया हेड टू, हमने मस्ट का कर दिया हेड टू। यार ये बच्चों के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वॉइस पढ़ा रहा था तो सर वॉइस कितने दिन में पूरा हो जाएगा, नरेशन पढ़ा रहा हूं तो नरेशन कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बेटा अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, अभी तो बहुत दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर मस्ट आने पर हमने क्या कर दिया, हेड टू कर दिया, मस्ट आने पर हमने क्या कर दिया बेटा, हेड टू कर दिया। आगे वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा इसके अंदर हमें क्या करना है। आपने कभी नाम सुना है इफ कंडीशन का, लिखो पेन कॉपी निकालो। इफ कंडीशन के अंदर अगर इमेजिनरी कंडीशन आती है, इफ कंडीशन में अगर इमेजिनरी कंडीशन आती है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है, उसका टेंस चेंज नहीं होता है, उसका टेंस चेंज नहीं होता है। चलो ये बात मैं बाद में बताऊंगा, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, क्लियर है। ओके 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 ओके, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है बेटा, एसडब्ल्यू, इसको समझना, इस क्वेश्चन को आपको समझना है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है बेटा, ठीक है। एसडब्ल्यू का होमवर्क है, का क्वेश्चन है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, आगे मैं बढ़ रहा हूं, सारे बच्चे गौर से देखेंगे, देखिएगा कैसे बना रहे हैं, समझिएगा। द डॉक्टर की जगह कि सर द डॉक्टर, सेड की जगह कि सर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कि सर दैट, इफ की जगह कि सर इफ, द पेशेंट की जगह कि सर द पेशेंट, और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डज की सेकंड फॉर्म डिड होती है, डज की सेकंड फॉर्म सर डिड होती है, अरे डू डज नहीं होता क्या, उसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है, सो सर डज की जगह हमने कर दिया डिड, डज की जगह हमने कर दिया डिड, और सर नॉट की जगह नॉट, टेक की जगह टेक, मेडिशन की जगह कि सर मेडिशन, और ही की जगह कि थर्ड थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, विल का कि सर वुड, नॉट का कि सर नॉट, और रिकवर का कि सर रिकवर, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, बस एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ था लेकिन इजी था, बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ था लेकिन इजी सा सेंटेंस था, बहुत बड़ा लिखा हुआ था लेकिन इजी सा सेंटेंस था। एक क्वेश्चन और देख लो सारे बच्चे, क्या हम बना रहे हैं, लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा आपकी बार पहले आया है,
इन्वर्टेड कोमा आपकी बार पहले आया, बोले तो रिपोर्टेड स्पीच पहले आई है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आई है। कैसे भी सेंटेंस आओ, किसी भी तरीके से सेंटेंस आओ, सबसे पहले आरवी लिखते हैं, सबसे पहले आरवी लिखा जाता है, सबसे पहले आरवी लिखा जाता है। तो हमने आई की जगह कि सर आई, और वॉन्ट की जगह कि सर वॉन्ट, और आगे क्या लिखा हुआ है, हर की जगह कि सर हर। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर दैट, ये समझ में आया क्या? दोबारा आई की जगह कि सर आई करते हैं, सेड या सेड टू की जगह कि सर टोल्ड करते हैं, लेकिन बंदे ने पहले से दे रखा है वॉन्ट तो हमने वॉन्ट कर दिया, और हर की जगह कि सर हर कर दिया। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर दैट, इफ की जगह कि सर इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि सर हर है तो सी हो गया। लेट की जगह कि सर लेट हो गया, द की जगह द, आयरन आयरन, गेट की जगह गेट, टू की जगह कि सर टू ही होगा, होट की जगह होट ही होगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो तो सर सी हो गया, और यहां पे विल लिखा हुआ है तो सर विल का वुड हो गया, स्कॉर्च का स्कॉर्च हो गया, यू ऑब्जेक्ट है तो सर हर हो गया, और क्लॉथ की जगह सर क्लॉथ हो गया। अरे कितने इजी इजी सेंटेंस है यार, कितने इजी इजी सेंटेंस है, लेकिन ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 75 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। नथिंग ग्रोज इन माई गार्डन बिकॉज इट नेवर गेट्स एनी सन, सी सेड। बेटा ये क्वेश्चन एक बार SSC में आया हुआ था, ये क्वेश्चन एक बार SSC में आया हुआ है, बनाते हैं, बड़ा आसान है कि सर शुरू में ही इन्वर्टेड कोमा दे दिया और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब दे रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी है। तो बेटा सी, तो सर सी की जगह सी, सेड की जगह कि सर सेड कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर कि सर देट, नथिंग की जगह कि सर नथिंग, ग्रोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बना दो कि सर ग्रू, इन की जगह इन, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी है, तो सी से क्या बना दोगे, हर हो जाएगा। गार्डन की जगह गार्डन, बिकॉज की जगह बिकॉज, इट की जगह इट, और नेवर की जगह नेवर। सर गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में चेंज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो, एनी की जगह एनी, सन की जगह सन। बस क्वेश्चन बड़ा था, बस क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आंसर इजी था, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आंसर इजी था। स्कॉर्च का मतलब होता है गुप्ता साहब, अगर आप सूर्य के अंदर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो आपकी चमड़ी रेड होने लगती है, मतलब खरोच आ जाना, मतलब बहुत ज्यादा तपन होना शरीर में, वो स्कॉर्च होता है, बहुत ज्यादा तपन होना। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं, 76 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, देखते हैं कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो खूब सारे हैं बेटा, दो तीन क्वेश्चन और है कंप्लीट कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन और है कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा, सेंटेंस है आई विल कम, आई विल कम, आई विल कम, आई विल कम विद यू एज सून एज आई एम रेडी, सी रिप्लाइड। यहां से स्टार्ट करो बनाना, सी की जगह सी, रिप्लाइड की जगह रिप्लाइड, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट। अब यहां पर ये आई और एल, एल लिखा हुआ है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलो तो सी हो जाएगा, और सभी बच्चों को पता है एल का मतलब या तो विल होता है या फिर एल का मतलब सेल होता है, और इन दोनों का जुगाड़ वुड होता है, तो वुड कर दिया। आगे बढ़ो, कम की जगह कि सर गो, कम की जगह क्या होता है कि गो हो जाता है, विद की जगह कि सर वी, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सर हिम हो गया, एज सून एज की जगह एज सून एज, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल लो सी हो जाएगा, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वॉज हो गई, और सर रेडी की जगह रेडी हो जाएगा, रेडी की जगह रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, फटाफट। क्लियर है? चलिएगा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए एच डब्ल्यू का क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे आंसर में, और सर आया हुआ है बेटा, इन्वर्टेड कोमा को हटाते ही, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही सर आया हुआ है, और जैसे ही सर आता है तो रेस्पेक्टफुली करते हैं। चलिएगा, सी सेड आई विल गिव यू 100 रुपीज टू कीप योर माउथ शट। बता, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, प्रपोज्ड भी आ सकता है और सेड भी आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे वाला क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना, पढ़ लेना, कैसे भी जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आज तक अपन ने पढ़ा है नरेशन का, उसका अपोजिट है, आज तक नरेशन में जो पढ़ा था उसका अपोजिट है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेशन के अंदर पैसिव वॉइस है, नरेशन के अंदर पैसिव वॉइस है,
नरेशन के अंदर पेशी वॉइस है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं मेरी तरफ से नरेशन का एक पार्ट तुम्हें करवा चुका हूं, बोले तो सिंपल सेंटेंस अपना पूरा हुआ। कल हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उससे रिलेटेड खूब सारे सेंटेंस और उसमें आए हुए खूब सारे अपवाद, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही इंग्लिश ग्रामर में नरेशन समझ में आया होगा। अगर बच्चा पार्टी आपको समझ में आया है तो बेटा क्लास सेव होने के बाद में आप जरूर से कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर हमें एनर्जी मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है और फिर हम और जोश के साथ में तुम्हें अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी 4 बजे मिलते हैं, अभी 4 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास है, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।